हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है। गाइज आज के इसमें हम आपको बताएंगे कि देखिए सही बात कही गई है कि शॉर्टकट जो होता है ना कामयाबी का रास्ता नहीं होता। अगर आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी हम कोई टेक्निक लगा के ग्रो हो जाए ना, तो मतलब ऐसा चांस बहुत कम होता है। बहुत ही लाखों में कोई एक होता है जो जिसके ऊपर इतनी बड़ी किस्मत उसकी होती है कि वो भगवान बहुत जल्दी उसके ऊपर दया कर देते हैं और बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ हो जाती है। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपको मेहनत करके ही आगे बढ़ना होगा। और शॉर्टकट वाली कमाई किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होती। अगर आपको मिल भी जाएगा पैसा ना, तो वो पैसा फिर या फिर किसी तरह आप ग्रोथ भी कर लेंगे ना, तो वो फिर ग्रोथ बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो ऐसे ही हमने कोशिश किया था मतलब कि शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी ग्रो होने के लिए, लेकिन उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ गया कि हमारे चैनल पे मतलब अब क्या बताएं, थोड़ा सा हंसी भी आ रही है अपने ऊपर, लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि गाइज यहाँ पर मतलब आपको बता दें कि हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है। यही थोड़ा सा भगवान का कृपा है कि जो स्ट्राइक है वो अभी मेन स्ट्राइक नहीं, वो वार्निंग स्ट्राइक है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए आपको बता दें कि एक्चुअल में क्या था कि हम एक वीडियो बनाए थे जो कि थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड था, लेकिन वीडियो का जो टॉपिक कंटेंट था बहुत ही बढ़िया था। उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी, मतलब कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टैबू लगे आपको, ज़्यादा क्या उसमें बिल्कुल भी टैबू वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो कंटेंट बहुत बढ़िया था कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसको देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज लास्ट में स्क्वायर बन के आएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन बात यह है ना कि हम क्या किए थे कि थंबनेल के ऊपर हम थोड़ा सा एक पिक्चर लगाए थे जो कि न्यूड टाइप पिक्चर था। अब वो पिक्चर हम लगा दिए। अब रीज़न क्या है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को हम ध्यान में रखें नहीं, उसको हम ज़्यादा डिटेल पढ़े नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी लोग यही करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास वार्निंग स्ट्राइक ना हो। अगर यूट्यूबर है तो रेयरली ही कोई ऐसा बचा होगा। बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं सबके पास स्ट्राइक पड़ी होती है। तो अभी तो हम न्यू ही थे, इसी वजह से हम ध्यान नहीं दिए और वो आ गई वार्निंग स्ट्राइक। वार्निंग स्ट्राइक आते ही हमारा दिमाग खुल गया। उसके बाद हम क्या किए कि पूरा कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है उसको स्टडी किए, तो बाद में समझ में आया कि वो ऐसा ऐसा होता है। तो अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एक्चुअल में जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है उस पर क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी होती है। फिलहाल में हम सोचे कि चलो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा दुख सुख दोनों शेयर किया जाता है, तो दुख की जो बातें उसको भी शेयर करते हैं। तो भाई यही कुल मिला जुला के देखिए हमारे वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही है कि आप कभी भी शॉर्टकट या सोचेंगे कि बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएं कोई अलग टेक्निक लगा के, तो रॉन्ग वे में तो गलत होता है, आप तुरंत धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा कोशिश किया और धड़ाम से गिर गए हम। तुरंत हमारी अकल ठिकाने आ गई। हम कह रहे बाप रे, ऐसा नहीं कि हम कुछ करना है। हमको भले ही 500 व्यूज हमारा आएगा, 2000 व्यूज, 1000 व्यूज, 200 व्यूज आएगा, लेकिन हम उसी से धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं काम करना है अब कि हमारा चैनल ही ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए। तो यही सब चीज़ें थी। आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ गए होंगे कि शॉर्टकट आप कभी मत लगाइएगा। अगर कोई वैकेंसी का एग्जाम आपको देना है ना, तो अगर आप शॉर्टकट सोचेंगे कि उसको हम लेकर चलें, चलो भाई फट से 10 दिन में इसको पढ़ लेते हैं उसको पढ़ लेते हैं, दिमाग लगाएंगे कि हम चलो 10 वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं, हिंदी वाला पार्ट यहाँ से पढ़ लेते हैं, मैथ यहाँ से पढ़ लेते हैं, अपना टेक्निकल पार्ट ये वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं, कभी नहीं सिलेक्ट होंगे आप। आपको बता दें कि ये हमारा 6-7 सालों का अनुभव है। आप कभी नहीं सिलेक्ट होंगे जब तक डिटेल में आपके पास नॉलेज नहीं होगा। सो आपके सामने जो भी वैकेंसी आई है, देखिए डीडी वाली वैकेंसी आई है, उधर TSSPDCL तेलंगाना स्टेट जो सब स्टेशन पावर डेवलपमेंट करके है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करके है, तो वहाँ की वैकेंसी आई है। तो ये 2 वैकेंसी फिलहाल में आपके पास है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। दोनों में गजब का सैलरी है, गजब का वहाँ पर जॉब प्रोफाइल्स है, दोनों में हैंडसम सैलरी, हैंडसम जॉब प्रोफाइल्स। ग्रुप B में आप रहेंगे। तो आपके सामने 2 फिलहाल में वैकेंसी है। आप उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाइए और सेलेक्ट होइए। कभी भी आप सोचेंगे कि 10 दिन में, 1 हफ्ता में, 2 हफ्ता में एडमिट कार्ड आने दीजिए तब पढ़ते हैं आप, हमारी बात याद रख लीजिएगा, ज़िंदगी में सेलेक्ट नहीं होंगे आप। सो इस बात को ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट इज़ नॉट द गुड वे, राइट वे जो होता है शॉर्टकट नहीं होता। आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी होगी। सो यही सब चीज़ें था। आई होप कि आपको समझ में आई होगी हमारी बातें कि सच में शॉर्टकट नहीं जाना चाहिए। हम वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि हमको तुरंत सीख मिल गई ना कि हाँ भाई देखो हमने कोशिश किया शॉर्टकट वाला थोड़ा सा कि जल्दी से ग्रो वीडियो आज में व्यूज आ जाए, तो हम धड़ाम से गिर गए। तो यही सब चीज़ें था। इसी वजह से आप कभी भी शॉर्टकट पर न जाइए, डिटेल में पढ़िए, मेहनत करिए और सेलेक्ट होइए। हमारे वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि भाई शॉर्टकट जाना खतरों से खाली नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा जैसे कि हमारे साथ हुआ है। हम मतलब भले ही आपके सामने मुस्कुरा रहे हों या आपको लगे कि हंस रहे हैं, लेकिन दिल हमारा उस दिन जानते हैं दिन भर हम चिंता में थे, खाना ही नहीं खाए। सो यही सब चीज़ें होती है। तो आई होप कि आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ सही बात है, हमको डिटेल में पढ़ना ही होगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो भी, चाहे यूट्यूबर बनना है तो भी हमको मेहनत करनी होगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही गाइज। और अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।